ya naik kapal ये वीडियो आप लोग बिहार राज्य के चौसा मंडी से देख रहे हैं। अभी अभी आप लोग इसी गाय को देख रहे थे, ये दूसरे ब्यात में होने वाली गाय है। अभी ये गाय गाभिन गाय है, गाभिन गाय है। तो अभी कितना समय लगा इसको बच्चा देने में? 10 से 12 रोज। 10 से 12 रोज। पिछला दूध कितना किया है? पिछला दूध किया है 6 लीटर एक टाइम, 12 लीटर रोजाना। 6 लीटर एक टाइम किए हैं, 12 लीटर रोजाना। अभी कितना समय लगेगा बच्चा देने में? 10 से 12 रोज लगेगा, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर। हाँ, डेढ़ हफ्ते। तो फिर इसका कीमत कितना रखे हैं यहाँ? कीमत इसका 45,000। 45,000। चौसा के मेला मंडी में इस गाय का जो कीमत है 45,000 रुपये बताया जा रहा है, लेकिन ये जो कीमत है ये फिक्स कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ पे मौके पे पहुँचेगा और दाम कम करेगा तभी जाके कीमत कुछ कम होगा। और इस तरह से अच्छी गाय इस ठिकाने पे बहुत मिलती है। इनके यहाँ साहिवाल आती है, गंगातीरी आती है, थरपारकर भी आती है, हर नस्ल की गाय आती है, ग्रेट सिंधी आती है, एक से एक गाय मिल जाती है। तो चाचा, हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। जी जी। तो दलालों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। दलालों के द्वारा वो ठगे जा रहे हैं ना? अभी अभी नजर पकड़ लेता है अपने। अभी अभी हमारे सामने एक व्यक्ति आए थे जो कि दलालों के चुंगल में फंस गए। दलालों के चुंगल में फंस कर गलत सौदा ले लिया। हमारा बात करना अच्छा गुरु पाएगा। हाँ, हमारा कहने का ये है कि जो भी व्यक्ति इस मेला मंडी में पहुंचे, जिसका भी पशु है उससे डायरेक्ट बात करें, बीच में कोई भी व्यक्ति को ना रखे, अगर उससे 2 रुपए की बचाने की चाहत है तो, अन्यथा वो दलाल के चक्कर में ही जाए। अगर किसी भाई को गंगातीरी जैसे गायों की ज़रूरत है तो उन्हें अनुभव होना ज़रूरी है, उन्हें अच्छे गाय की पहचान होना ज़रूरी है कि वो गाय को देख के जान जाए कि वो गंगातीरी है या फिर कुछ अन्य नस्ल में। और अगर आपके पास इस तरह का अनुभव नहीं है तो अपने साथ एक अनुभवी व्यक्ति को ही लेके आएं, क्योंकि मैं अक्सर ही देख रहा हूँ कि बहुत से भाई गंगातीरी करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं और उन्हें वो नस्ल नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, शुद्ध रूप से गंगातीरी। अगर आपको एक अच्छी पकड़ है नस्ल के मामले में तभी आप यहाँ पर आएँ। देसी गोवंश के ऊपर जो वीडियो बन रहा है, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक देसी गोवंश का बढ़ावा हो। ले चलिए थोड़ा सा, देखिए आप लोग के सामने एक देसी दुधारू गाय है जिसके दूध में A2 मिल्क पाया जाता है, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। एक छोटे मोटे घर परिवार वाले व्यक्ति के लिए सबसे सही गाय। ले आइए भैया, ले आइए। पूर्ण रूप से आप इसे देसी कह सकते हैं। देसी की खास पहचान उसका हम्प और गलकम्बल कुछ इस तरह से प्रदर्शित होती है। जो लोग अनजान व्यक्ति हैं उन्हें हम बताने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम्प जरूर देखिए, गलकम्बल को जरूर देखिए। तो भैया ये कौन से ब्यान में होगी? ये दूसरा ब्यान। दूसरे ब्यान में होगी। और बच्चा इसके नीचे? बाछी है। बच्चा बछिया है? इधर आइए, नज़दीक तक आइए। बच्चा बछिया है, दूसरे ब्यात में है। और दूध कितना कर रही है ये गाय? टाइम का 7 किलो कर रही है, यानी दोनों टाइम को मिला के 12-13-14 लीटर। हाँ, 14 लीटर कर। तो फिर इसका कीमत कितना रखे हैं? इसका कीमत तो 45,000। कुछ कम भी करेंगे या फिर आपका? नहीं, आप 1500 के लिए क्रिया थोड़ा करेंगे।
45,000 की कीमत में इस गाय को बताया जा रहा है, जैसे कि भैया पहले ही बताएं ये कीमत कम होगा जब आप यहाँ पे आएंगे तब। मेला मंडी का रेट कुछ इस तरह से ही होता है। काफ़ी सुंदर गाय है, एक छोटे मोटे परिवार वाले व्यक्ति के लिए। इस तरह की गाय की अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो अनुभवी व्यक्ति को साथ में लेके आएँ, जिन्हें गाय के मामले में एक अच्छी सी जानकारी हो कि गाय को देख के भाप जाए कि ये गाय लेने योग्य है या नहीं। हर तरीके से गाय को देखना पड़ता है, जैसे थन बाट हो गया, बहुत ख़ास चीज़ होता है गायों की जांच और परख। ले चलिए भैया। और वीडियो से आप लोग उत्साहित और प्रेरित होकर के कदापि ये गलती ना करें कि झटके से आप लोग यहाँ पे आ जाएं और गलत चीज़ खरीद के लेके चले जाएं, अन्यथा नुकसान आप लोग का ही होगा। गायों के गढ़ में गायों को छांट के ही ले जाना पड़ता है, तभी वो आपके काम की चीज़ निकलेगी। कितना पास देगा बोल। ये तो गाभिन गाय है ना, अभी कितना समय लगा बच्चा देने में इसको? 8-10 दिन। 8-10 दिन। इसका कीमत कितना रखे हो? 85,000। 85,000 मांग रहे हो। और ये बगल वाली गाय का? 1,05,000। 1,05,000। ये गिर में है? हाँ। असली गिर नहीं है। देखिए जिन भाइयों को यहाँ से साहिवाल गिर जैसी गायों की जरूरत है, उनके लिए भी ये मेला मंडी सबसे सही है। ये देखिए, एक से बढ़कर एक गायें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को गाय दिखाता हूँ, इस मंडी के 20% हिस्सा भी नहीं दिखा पाता हूँ। बहुत सारी गायें हैं, एक से बढ़कर एक गाय। कभी कभार इस तरह के मेला मंडी में इस तरह से साहिवाल जैसे गाय की बछड़ियाँ भी मिल जाती है, छोटी छोटी। घुमाइए थोड़ा। सामने जो आप लोग गाय देख रहे हैं, ये गाभिन गाय है, पहले ब्यात में होने वाली है, बस ले आइए। आ
कितना समय लगेगा इसको बच्चा देने में? बस एक हफ्ता। एक हफ्ता का समय? दस दिन। हाँ, 10 दिन में दे देंगे। इधर आइए यहाँ पर। तो फिर इस गाय का कीमत कितना रखे हैं? गाय की कीमत रखे हैं 34,000। 34,000 कुछ कम करेंगे या फिर फिक्स है? कम करेंगे, कितना फिक्स नहीं रहता है। आपका देने वाला जरा बताइए तो कौन सा कीमत होगा? मेरा देने वाला है इसका 29,000। 29,000 29,000 की कीमत में इस गाभिन गाय को बताया जा रहा है, जो कि बताए हैं भैया कि हफ्ते भर का समय लग सकता है बच्चा देने में, 10 रोज का, यानी 10 रोज आप मान के चलिए। इस तरह की अनगिनत गाय इस मेला मंडी में मौजूद रहती है, मिलती है, ज़रूरत होती है सिर्फ खोज करके इच्छुक व्यक्तियों को लेने की। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गोवंश का बढ़ावा, अपना भारतीय देसी गोवंश का बढ़ावा ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग देसी गोवंश को अपने यहाँ रखें और इसके पालन पोषण करके इन देसी गोवंश का बढ़ावा करें। तो ये कौन से बयान की गाय होगी? देसी है। देसी देसी तो है, मतलब कौन सा बयान में होगी? दूसरा ही है। दूसरा। और बच्चा इसके नीचे? बाछा। बच्चा नीचे बछड़ा है। और दूध कितना कर रही है ये? 4-4 किलो। 4-4 किलो टाइम का कर रही है। तो फिर इसका कीमत कितना रखे हैं? 28,000। 28,000 आपका देने वाला कीमत कहाँ तक होगा? हो जी 26 पे। 26 पे मांगे तो 30-32 मांग रहे हैं। हाँ हाँ, 26,000 की कीमत में इस देसी गाय को बताया जा रहा है, जिसका दूध हमें बताया जा रहा है 4 लीटर टाइम का, दूसरे ब्याज में है और बच्चा इसके नीचे बछड़ा है। भाई लोग, चौसा के इस मेला मंडी से मैं आप लोगों को मौजूदा हालत में जितनी भी गाय थी उससे मैं भरसक दिखाने का प्रयास किया हूँ। आज के इस मेला मंडी में देसी गायों की एक भारी कमी देखने को हमें मिली है, और जितनी भी इस मेला मंडी में हमें उचित गाय लगी वही हम दिखाए हैं। तो बस यही था, हम सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएं कि चौसा के इस गाय की मंडी में किस तरह की गाय मौजूद है या मिलती है।